Our next compound is calcium sulfate. Okay, and it is also named as gypsum. इसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, CaSO4.2H2O। क्लियर है ना? तो देखो इनका प्रिपरेशन कैसे होता है। प्रिपरेशन ऑफ CaSO4.2H2O, पहली बात कि ये एनहाइड्रस फॉर्म में भी पाया जाता है और हाइड्रेटेड फॉर्म में भी होता है। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो हम इसको क्या नाम देते हैं, जिप्सम। और जब ये हाइड्रेटेड, जब ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है हम इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट, नॉर्मल कैल्शियम सल्फेट। तो फर्स्ट इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज पास थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट, when sulfuric acid is passed through calcium carbonate it produces calcium sulfate। तो इसे हम लिखते चलें, first preparation, when H2SO4 reacts with H2SO4 reacts with calcium carbonate, it produces calcium sulfate along with water and carbon dioxide gas, that is CaCO3 plus H2SO4। जब कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कराते हैं तो बताओ क्या बनेगा, CaSO4 अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, SO4 कैल्शियम के साथ आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, वन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म वाटर। सेकेंड रिएक्शन ये कहता है कि चाहे आप इसका रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट से कराओ या फिर इसका रिएक्शन, यहां पर एक चीज और, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी अगर रिएक्शन कराते हो H2SO4 का, तो ये प्रोड्यूस करेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट। मीन्स इसका रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, बताओ क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट अलोंग विथ वाटर। H2SO4 ठीक है। सेकेंड प्रोसीजर, व्हेन Na2SO4 Na2SO4 reacts with calcium chloride, Na2SO4 reacts with calcium chloride, it produce calcium sulfate CaSO4 along with क्या बनाएगा, NaCl। इज दैट, जैसे Na2CO3 आप लिखोगे Na2CO3 प्लस CaCl2, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CaSO4 along with NaCl। ओके, इसे आप बैलेंस कर लो, यहां 2SO4 Na2CO3 नहीं, इट इज SO4, सोडियम सल्फेट,
CaSO4 and NH2NaCl. Okay, copy it. And after that, we will discuss about the properties of calcium sulfate. So, the properties of CaSO4.2H2O, that is gypsum. ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर वन, देखो दो तीन बातें हैं बस। नंबर वन, इट इज प्राइमरी सोलोबल इन वाटर, पहले तो ये बहुत कम सोलोबल होता है वाटर में। नंबर टू, जब इसे हम 390 केल्विन पर अगर हीट करते हैं तो ये अपने कुछ वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देता है और बना के लेता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नंबर तीन, जब इसे हम 390 केल्विन से एवब हीट करते हैं, जब हम इस स्ट्रॉन्गली हीटेड करते हैं इसको, तो इसके पास जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है और बन के जाता है CaSO4। और उस कैल्शियम सल्फेट को हम क्या नाम देते हैं, डेड बर्नड कैल्शियम या डेड बर्नड प्लास्टर। ओके, तो इसी को हम लिख लेंगे। पहली बात, इट इज स्पेरिंगली सोलबल इन वाटर। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, 393 पर अगर हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, अगर हम इसे हीट करें कितने पर, 390 केल्विन पर, नॉट 393, इट इज 390। व्हेन कैल्शियम सल्फेट मींस जिप्सम इज हीटेड एट 390 केल्विन, इट रिड्यूस इट रिमूव पार्शियली द वाटर मॉलिक्यूल। एंड प्रोड्यूस क्या बना लेता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, लाइक कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू, जब हम इसे 390 केल्विन पर हीट करेंगे, ठीक है, तो ये टू मॉलिक्यूल को में से पार्शियली इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, बना क्या लेगा, CaSO4.5H2O एंड इट रिमूव 3/2H2O फ्रॉम हियर। ओके, तो ये CaSO4.5H2O और इसको आप नाम क्या देते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आप लोग जानते ही हो, तो यहां से आप एक प्रिपरेशन भी समझ सकते हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्रिपेयर्ड होता है। 390 केल्विन पर अगर कैल्शियम सल्फेट मींस जिप्सम को अगर 390 केल्विन पर हिट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी रिमूव्ड। ओके, तो ये हुई हमारी दो बातें। नंबर तीन, कि अगर आप इसको स्ट्रॉन्गली हिट करते हो, इसको आप लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो थर्ड पॉइंट, आप इसको लिख सकते हो, व्हेन CaSO4.2H2O इज हीटेड एट अप्रॉक्स 437 केल्विन, जब हम 390 केल्विन से इसका टेम्परेचर रेज कर देते हैं 437 केल्विन तक,
देन इट प्रोड्यूस लिखो इट रिमूव द रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म CaSO4 CaSO4 डॉट 2H2O। इसे अगर आप 437 केल्विन पर हीट कर रहे हो तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, CaSO4 डॉट CaSO4 प्लस 2H2O विल बी रिमूव। अगर आपने अभी क्या देखा, समझो इस बात को, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2O को अगर आप 390 केल्विन पर हीट किए तो यहां से क्या हो गया, CaSO4 डॉट हाफ H2O विल बी प्रोड्यूस एंड 3/2 H2O रिमूव। इज दैट, इसी को आपने क्या कहा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप कहते हो POP। ओके, नाउ अगर इसको आप हीट कर दो, टेम्परेचर को रेज कर दो 390 केल्विन से एवर, अगर इसे आप हीट कर दिए, कितने तक टेम्परेचर पहुंचा दिए, 437 केल्विन तक आपने टेम्परेचर दिया, तो यहां से हाफ H2O भी निकल जाएगा और बन जाएगा CaSO4 और हाफ H2O क्या हो जाएगा, रिमूव। क्लियर है ना, तो इसे आप समझ सकते हो। सेकेंड, इसका जो नाम होगा कैल्शियम सल्फेट, इसका जो नाम होगा इसी को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, डेड बर्न्ट प्लास्टर। ठीक है, तो ये हुई हमारी, ये हुई प्रॉपर्टीज किसकी, जिप्सम की। तो आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग देखते हैं इसके यूजेस। नाउ यूजेस, तो नंबर वन, इसका यूज किसमें किया जाता है, इट इज used in the preparation of POP, plaster of Paris। second point number दो, point number दो, इसका और किसमें हम use करते हैं, इसके anhydrous form को हम drying agent के रूप में use कर सकते हैं, means anhydrous form of gypsum is used as drying agent। ये तो है बात नंबर दो, और बात नंबर तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो आप लोग जानते हो, इट इज यूज टू प्रिपेयर क्या, ब्लैक बोर्ड चौक। ठीक है, तो ये हुई बात हमारी जिप्सम की, इसे आप लोग कॉपी कर लो, फिर हम लोग देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, जिसका नाम है सीमेंट। कॉपी इट, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीमेंट। ओके, देखो सीमेंट क्या है, सीमेंट बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ये होता क्या है, तो एक्चुअल में सीमेंट इज द मिक्सचर ऑफ
कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट। कैल्शियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट के मिक्सचर को हम क्या नाम दे देते हैं, नोन एज सीमेंट। तो इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो इसमें कई चीजें होती हैं, 2CaO.SiO2, 3CaO.SiO2, 3CaO.Al2O3 एंड 4CaO.Al2O3.Fe2O3। इनका अगर नाम इन सबको एक साथ मिलाकर क्या हम नाम देते हैं, सीमेंट। इनके सब मिक्सचर को हम क्या नाम दे देते हैं, सीमेंट। अगर इनका आप नाम लिखना चाहोगे तो आसानी से लिख सकते हो, 2CaOSiO2 इसको आप क्या नाम दे सकते हो, डाई कैल्शियम सल्फेट। यस, डाई कैल्शियम सल्फेट। बताओ यहां पर 3CaO मीन्स क्या लिख सकते हो, ट्राई कैल्शियम सल्फेट, नॉट सल्फेट, इट इज सिलिकेट। हियर क्या कह सकते हो, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, और इसका आप नाम क्या दे सकते हो, इसको कह सकते हो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो एल्यूमिनो फेराइट। ओके, अब इनके कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो रॉ मटेरियल देख लो, रॉ मटेरियल इसके कौन कौन से होंगे, तो नंबर एक लाइम जिसे आप कहते हो कैल्शियम कार्बोनेट, विच प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करेगा ये बताओ, CaO। नंबर टू, दूसरा होता है सिलिका, और ये क्या प्रोवाइड करता है, SiO2। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इज जिप्सम, दैट इज CaSO4.2H2। अब बात करोगे कि एल्यूमिनेट Al2O3 और Fe2O3, तो इसे आप लिख सकते हो कि Al2O3 एंड Fe2O3 आर प्रेजेंट एज इंप्यूरिटीज विथ सिलिका। सिलिका के साथ ये जो दोनों होते हैं वो इंप्यूरिटीज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको अलग से ऐड करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप बात करोगे कि सीमेंट क्या है, तो सीमेंट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज कंपाउंड, इसका नाम 2CaO SiO2, 3CaO SiO2, 3CaO Al2O3 एंड 4CaO Al2O3.Fe2O3। नाम लिखना चाहो, डाइकैल्शियम सिलिकेट, इट इज ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, इट इज ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, एंड 4CaO Al2O3 Fe2O3 को हम क्या लिख सकते हैं, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट। ओके, अब इसके कुछ रॉ मटेरियल्स को आप याद रखोगे, और आप से अगर ये पूछ दिया जाए, या अगर आपको ये लगता है कि Al2O3 और Fe2O3 तो इसके रॉ मटेरियल में है नहीं, तो ये इसको अलग से ऐड नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो दोनों होते हैं वो सिलिका में इंप्यूरिटीज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
क्लियर है। तो ये बात हुई हमारी सीमेंट की, और सीमेंट के यूजेस को आप लोग जानते हो, उसको लिखने की जरूरत होगी नहीं। तो आज हमारा ये चैप्टर द एंड होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट। तब तक के लिए थैंक यू।